सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन, आज हम इसको पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन की डिमांड आई है, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप में से कोई तो सीरियस है जिसको पता है कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैंने नहीं करा है। ठीक है, तो ऐसे और भी क्वेश्चन ढूंढिए और उसे कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, अगर आप कमेंट में नहीं ले सकते हो तो हमारा जो ऐप है, ठीक है, इसमें आप चैनल में जब जाओगे तो अबाउट अस में जाओगे तो वहाँ पे हमारी ईमेल आईडी लिखी हुई है, मेरे को अच्छी तरह याद नहीं, शायद eacademysivils@gmail.com जो भी है, आप उस पे सारे क्वेश्चन वहाँ पे भेज सकते हैं। मैं उनके परफेक्ट जो आंसर हैं जो आपको वहाँ छापने हैं वो मैं आंसर लिख के आपको रिवर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो रिमाइंडर देते रहो, इससे क्या होगा, पढ़ाई और अच्छी होगी और डिस्कशन करते रहो। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पिछली बार आ चुका है, सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन, ठीक है, और इसमें क्या कमी है, क्यों अभी तक नहीं बन पाया है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो भी सकता है, अगर रिपीट ना भी होगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा सोशल वर्क एज ए ऑक्यूपेशन। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ हैं और इस बार इस क्वेश्चन के आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, पहला ही क्वेश्चन देखना यही मिल जाएगा आपको। तो हम शुरू करते हैं सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन, फिर उसके बाद एज ए ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो भेजते रहो अपनी जो जो क्वेरी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उससे क्या होगा, सबका फायदा होगा इक्वल वे में। तो हम शुरू करेंगे सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन। अब तक जो है हमने सोशल वर्क में क्या पढ़ा, पहली वाली स्लाइड याद रखो, 1.0 और 1.2, वहाँ पर हमने कहा सोशल वर्क जो है ये साइको सोशल प्रॉब्लम को दूर करता है। ठीक है, जब ये साइको सोशल प्रॉब्लम को दूर करता है तो मैंने कहा था वहाँ पे एक प्रोफेशनल अप्रोच होती है, क्योंकि इसमें क्या चाहिए होता है, एक्सपर्टाइज इन ह्यूमन रिलेशन। ठीक है ना, और वो भी किस वे में, साइंटिफिक वे में। तो कुछ टर्म मैं याद दिला रहा हूँ, इन्हीं का यूज करेंगे हम, इसी से हम गेम खेलेंगे, साइंटिफिक वे में। ठीक है, फिर माना था इनका कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है, याद आ रहा है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। ये आपने सोशल केस वर्क पढ़ दिया है, अब आपने ग्रुप वर्क भी पढ़ लिया है मेरे से। तो ग्रुप वर्क में हमने क्या था, गेम ट्रेनिंग, ठीक है, ये सब हम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन कहाँ तक है। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि प्रोफेशन होता क्या है। ठीक है, प्रोफेशन को अगर मैं बहुत ही छोटी लाइन में सम अप करना चाहूँ तो प्रोफेशन जो होता है, जो उसको कहते हैं जिसमें ऐसा करेक्टर हो, ठीक है ना, जो स्पेशलाइज, ठीक है, स्पेशलाइज वे ऑफ नॉलेज हो जिसमें, ठीक है, साइंटिफिक मेथड यूज करें हम, टेक्निक यूज करें, स्किल्स यूज करें, ठीक है ना, और जिसका एरिया ऑफ ऑपरेशन, एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है जिसका एक डिफाइंड हो। ठीक है, तो उस ये सारे करेक्टर जिस चीज में पाए जाते हैं, ठीक है, प्लस आप कर दो कोड ऑफ कंडक्ट होगा, ठीक है, जैसे बिजनेस रूल भी बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्रोफेशन। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोशल वर्क में बहुत काम किया है, ठीक है, इनका नाम है ELLIOTT, एलियॉट, ठीक है ना। तो एलियॉट ने क्या किया था, दो तरीके से उन्होंने बांटा कि क्या चीज़ प्रोफेशनल होती है, क्या चीज़ें अनप्रोफेशनल होती है। ठीक है, तो उनके चार्ट पे हम थोड़ी नज़र डालते हैं और उसी से फिर डिफाइन करेंगे क्या कहा था उन्होंने। थ्री तो एलियॉट ने जो क्राइटेरिया दिया था, तो हम सारे क्राइटेरिया इधर रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ रखते हैं कि क्या चीज़ प्रोफेशनल होती है और ये क्या चीज़ नॉन प्रोफेशनल होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं नॉलेज की बात, किसी भी फील्ड में अगर नॉलेज, ठीक है, ब्रॉड है, ठीक है, और क्या है, टेक्निकली थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल है, ठीक है ना, और ह्यूमन प्रॉब्लम को डिस्कस करने की फील्ड उसमें अगर आ रही है तो वो प्रोफेशनल चीज होगी। और नॉन प्रोफेशनल में क्या होता है, सीधे क्राफ्ट और स्किल, ये चीज आती है, ये इन्होंने बोला था। ठीक है, तो मैंने नहीं बोला था, तो इसमें कुछ चीजें जो है उस पर हम काफी डिस्कशन कर सकते हैं कि इन्होंने ऐसी क्यों रखा, लेकिन हमें अभी तो फिलहाल इनको पढ़ना है। टास्क क्या होता है, यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, जितनी प्रोफेशनल चीज में होती है उनमें टास्क जो होता है वो नॉन रूटीन टास्क होता है। ठीक है, तो नॉन रूटीन सिचुएशन लिख देता हूं,
ठीक है। और इसमें क्या होती है, रूटीन सिचुएशन होती है। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। प्रोफेशनल वे में ना हम कह नहीं सकते कि क्या सिचुएशन आएगी, ठीक है, और वो चीज़ बार बार आएगी, ऐसा नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें अपने डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। जो नॉन प्रोफेशनल तरीका होता है उसमें क्या होता है, एक ही चीज़ बार बार आ रही है, तो सबको पता होता है कि रूटीन वे में, मतलब उसका चपरासी भी वही चीज़ बताता है, ठीक है, मैनेजर भी वही बताता है, एक चीज़ बार बार आ रही है, यहाँ पे क्या है, नॉन रूटीन है, ठीक है। तो वो ज़्यादा प्रोफेशनल टर्म है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग क्या होती है, डिसीजन मेकिंग जो होती है अनप्रोग्राम्ड होती है, ठीक है, पहले से कोई प्रोग्राम नहीं होती। और नॉन प्रोफेशनल में हमेशा प्रोग्राम्ड होती है कि ये है तो ये है, हर किसी को यही डिसीजन वो देते रहते हैं, ठीक है। और क्या होता है, वर्क जो होता है इसमें आप ले लो स्पेशलाइज सर्विस होगी हमेशा, ठीक है, और जो इसमें जो होगी नॉन स्पेशलाइज सर्विस होगी। एजुकेशन जो भी प्रोफेशनल कोर्स हैं, ठीक है ना, उसमें एजुकेशन आप हमेशा देखोगे ना बहुत ही एक्सटेंसिव एजुकेशन होगी, ठीक है। और क्या होगा, एक्सटेंसिव एजुकेशन हो गई, और जो एजुकेशन है ना वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, मतलब प्रोफेशनल वे में जो रिक्वायरमेंट होती है ना तो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस होता है, सिलेबस का चेंज होता रहता है, ठीक है। और नॉन प्रोफेशनल जो डिग्री होती है जैसे ह्यूमैनिटीज की, वो लिमिटेड है, ठीक है, वही हिस्ट्री चली आ रही है अभी तक, वही आगे तक चलेगी, रोल भी स्पेसिफिक ही है। तो हम एक दो तीन चार, ये तो क्राइटेरिया, एक दो तीन चार पांच चीज़ में हम बताएंगे कि एलियट ने ये बताया था कि प्रोफेशनल जो जो प्रोफेशन होते हैं, ठीक है ना, वो उसमें ये चार चीज़ें होती हैं, नॉन प्रोफेशनल ये होती है। अब हम देखेंगे सोशल वर्क जो है इस खाने में पड़ रहा है, सोशल वर्क में सारी चीज़ें ये होती हैं। अब एक एक करके हम इसको प्रूव कर देंगे तो हमें पता जाएगा कि सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन है, ठीक है। थ्री ठीक है, तो अगर हम सीधे अब अपनी बात पे आते हैं, बहुत हमने इधर उधर की बात कर ली, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स, पहला कंपोनेंट की सिस्टमेटिक, ठीक है, और साइंटिफिक नॉलेज होगी। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, स्किल टेक्निक्स और टूल्स। तीसरा कंपोनेंट क्या है किसी भी प्रोफेशन का, कि उसमें जो एजुकेशन होगी वो क्या होगी, पूरी एडवांस होगी, ठीक है ना, और एडवांस में लिख दो, वो हम जब से डिस्क्राइब करेंगे तो कहेंगे अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। और क्या होगी, उसके संग कुछ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करेंगी, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जो कुछ लोग सीए होते हैं तो इनकी इंडिया जो है सीए का जो एसोसिएशन है दिल्ली में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट, तो वो इनको पूरी इनकी मैटर की सारी डीलिंग कौन करता है, वो करता है, ठीक है। जैसे जैसे एमबीए करते हैं वो आईमा के अंदर में आते हैं, ठीक है। मेडिकल जो भी करते हैं उनके लिए एमसीआई है, ठीक है, अब वो चेंज होने वाली है, तो ये सब प्रोफेशनल उनका एक होगा जिसके पैटर्न में वो काम करेंगे, ठीक है, पैटर्नेज प्रोवाइड करेगा। और क्या चीज़ होती है इसमें, उसका सोशल अप्रूवल होता है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ मैं, सोशल अप्रूवल, मतलब कोई भी प्रोफेशन है जब तक सोसाइटी उसको अप्रूव नहीं करेगी वो प्रोफेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। और यहीं पे हमारा सोशल वर्क कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, जब हम इसका क्रिटिकल एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा सोशल वर्क को इंडियन सोसाइटी ने एज ए प्रोफेशन अभी तक लिया नहीं है, लेकिन किताबों में प्रोफेशन है, और क्यों नहीं है वो दो तीन एग्जाम्पल से मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और क्या होता है, छठी चीज जो होती है वो होती है कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि क्या, ठीक है ना, सोशल वर्क को हम प्रोफेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये सारी चीज़ें, ठीक है, और एलियट की जो हमने अभी चीज़ें पढ़ी थी वो प्रूव कर दें तो सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन, और यही क्वेश्चन था कि सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन हाउ फार इट इज सक्सेसफुल और नॉट। तो नॉट तो हमें पता ही है, पहले हम बताते हैं कहाँ कहाँ तक है, तो इसी कंपोनेंट को हम लेंगे। तो सबसे पहले हम देंगे किसको उठाऊँ, एथिकल कंसिडरेशन को उठा देता हूँ, ठीक है। अब याद करो सोशल वर्क के, सोशल केस वर्क के प्रिंसिपल में मैंने बताया था, एक तो इंडिविजुअलाइजेशन का प्रिंसिपल होता है, ठीक है, और सोशल ग्रुप वर्क में भी इंडिविजुअलाइजेशन का प्रॉब्लम एक क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो यही तो एथिक्स है कि हमें इंडिविजुअल को, ठीक है ना, उसकी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखना है, ठीक है ना, उसको मिसयूज नहीं करना है,
ठीक है। दूसरा हमने क्या लिखा था, दोनों में पर्पसफुल रिलेशन बनाना है। पर्पसफुल रिलेशन का मतलब क्या है, जब हमारा काम हो जाए उसके बाद हमें उससे ब्रेकअप कर देना है एज ए रिलेशन, यानी उसके साथ ही जुड़ गए। तो ये क्या है, यही तो एथिक्स है कि अपनी मॉरेलिटी को, ठीक है ना, इसको हमें जिंदा रखना है कि क्या गलत है और क्या सही है, इसकी हमें पहचान होनी चाहिए। तो कह सकते हैं हम कि सोशल वर्क जो है, अब सोशल केस वर्क में भी, सोशल ग्रुप वर्क में भी, ठीक है, अभी मैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाऊंगा तो उसमें भी दिखाऊंगा, ये सारे प्रिंसिपल आते हैं। तो हमेशा एथिकल हम रहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रूव हो गया कि उसमें कोड ऑफ एथिक्स होता ही होता है, ठीक है। अब रहा, हम कर देते हैं कि टेक्निक्स एंड टूल सोशल वर्क में। जब मैं बताऊंगा आपको स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी, उस चैप्टर में बताऊंगा कि हम यहाँ पे कुछ स्टैटिकल फार्मूले यूज़ करते हैं, जैसे चाई स्क्वायर टेस्ट करते हैं, ठीक है, मीन, मोड, मीडियन, ठीक है, इन सबको हम लेते हैं, टी टेस्ट को भी लेते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि हम, हमारे पास एक टेक्नोलॉजिकल टूल है जिसको हम सोशल वर्क में यूज़ करते हैं। और स्किल क्या करते हैं, स्किल तो सबसे बड़ी यूज़ क्या करते हैं, एक्सपर्टाइज इन ह्यूमन, ठीक है। तो जो ह्यूमन नेचर में एक्सपर्टाइज है वही स्किल करेगा, ठीक है ना। इसके लिए हमें पता ही है क्या, अब हम ले लेते हैं एजुकेशन एडवांस में। हमें पता है एजुकेशन एडवांस में क्या होता है, एक होता है MSW, मास्टर ऑफ सोशल डेवलपमेंट, और BSW, बेचलर ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। अब तो PhD भी आ गई है और MPhil की डिमांड हो रही है कि इसमें सोशल वर्क में आइए। और हम क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल ये दे सकते हैं। तो वो सोशल वर्क वो इंडिया में नहीं पूछ रहा है, ठीक है, वो पूछ रहा है सोशल वर्क एज ए प्रोफेशनल। तो हम दे सकते हैं, दूंगा मैं इंडिया की भी एग्जाम्पल, देखो एक है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर, मैंने 2-3 बार इसकी बात की है। एक है ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर, इंडिया में क्या है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर, ठीक है। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल वर्क पे काम करती हैं। तो भारत में ये है ही, ठीक है। तो ये सब निकालती है कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है, UGC को बताती है, क्या सजेशन देती है कि किस कोर्स में, सोशल वर्क के कोर्स में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या क्या अडॉप्ट होना चाहिए, ये भी, ठीक है ना। तो कोड ऑफ एथिक्स पढ़ लिए, सोशल अप्रूवल, सोशल अप्रूवल में क्या है, आज देखो सोशल अप्रूवल उतना हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखो इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वेलफेयर ऑफिसर होता है, ठीक है। तो वेलफेयर ऑफिसर में क्या होता है, सोशल वर्कर वाले भी अलाउड होते हैं। तो ये भी अगर रिक्रूट हो गए तो इनका काम क्या होगा कि जितने भी लेबर हैं उनको लेबर लॉ बताना, उनको बताना इलीगल स्ट्राइक नहीं करो, ठीक है, उनको बताना कि कैसे साफ सफाई से रहना है, ठीक है, टॉयलेट क्लीन्स है कि नहीं है, अगर वुमेन है तो क्रैची फैसिलिटी है कि नहीं है। तो ये क्या करता है, सोशल वर्क वहाँ पे काम करता है, ठीक है। अब एजुकेशन एडवांस हो गई, सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक नॉलेज हो ही गई हमारी, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट हो गए, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, सोशल अप्रूवल हो गया और कोड ऑफ एथिक्स हो गया। तो 5ों कंपोनेंट मैंने दिखा दी, कहीं ना कहीं है। तो इसको ना डिस्क्राइब कर लेना, जिस किताब से पढ़ो ना, अब उसको दोबारा पढ़ोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि सोशल वर्क जो है एज ए प्रोफेशन हम ले सकते हैं, ठीक है, और लेते हैं अब। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है, अब हम वो पढ़ेंगे। अब आप इसमें लिखोगे, जब आप इतना लिख दोगे फिर लास्ट में पंच मारना है, वहां पे लिखना कि हैविंग सेड, जो आपने जो पूरा लिख दिया है, ठीक है ना, वन कैन नॉट नेग्लेक्ट, ठीक है, द फ्यू सीरियस पॉइंट, ठीक है, विच मेक सोशल वर्क, ठीक है ना। उसको क्या कर रहा है, सोशल वर्क को पीछे खींचता जा रहा है, प्रोफेशनल से क्या कर रहा है, सेमी प्रोफेशनल। देखो आजकल जितने भी सोशल वर्कर है ना, पहले तो बात में ये पेपर 2 में भी बताऊंगा आपको, इंडिया में अभी हम इसे सेमी प्रोफेशनल वे में मानते हैं, लेकिन वहाँ पेपर में लिखना नहीं है, ये अपने दिमाग में डाल दो, ठीक है ना, ये कहीं नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। क्यों नहीं है ना, इसको मैं प्रूफ भी करूंगा, लेकिन अभी भी हम क्या है, भारत महान है तो हम इसे अभी प्रोफेशनल वे में ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अगर दिमाग में ये रहेगा ना, तो आप क्या रहोगे, आंसर आप संतुलित लिखोगे, और वो ये चाहता है चेक करने वाला संतुलित आंसर हो, हाई फाई आंसर ना हो, ठीक है। तो देखो, हैविंग सेड बट वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम दीज आर, ये लिखने के बाद अब देखो प्रॉब्लम क्या क्या है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कि सबसे बड़ी हमारे सोशल वर्क की प्रॉब्लम है कि इसकी जो अप्रोच है, देखो सोशल वर्क पता है आपको, ठीक है, कुछ कुछ लोग तो सोशोलॉजी वाले ना, ये अपनी पूरी सोशोलॉजी सोशल वर्क में दिखा देते हैं, ठीक है ना। जहां याद रखना,
आज ये कुछ बात कि जब भी सोशल वर्क का आंसर लिख रहे हो ना, अगर उस आंसर चेक करने वाले को थोड़ा सा महसूस हो गया ना कि ये सोशोलॉजी झाड़ रहा है, नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, तो इससे तो पहले उसमें दूर रहना है, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट बहुत ही तनातनी रहती है। ठीक है, तनातनी रहने का ये कारण है कि सोशल वर्क के अंदर जितनी भी अप्रोच है वो है इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत सारे सब्जेक्टों से कुछ ना कुछ चीज ले। तो ये अगर हमारा सोशल वर्क है तो ये मैथ से भी कुछ लेता है। मैथ से क्या लेता है? टेक्निक लेता है। स्टैट से क्या लेता है? चाई स्क्वायर टेस्ट लेता है। ठीक है, मेडिकल से, साइंस से क्या ले रखा है इसने? काउंसलिंग ले रखी है। ठीक है, और बताओ किससे क्या ले रखी है? और सोशोलॉजी, सोशोलॉजी से इसने प्रॉब्लम ले रखी है कि क्या क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा वो ले रखा है। ठीक है, और क्या ले रखा है इसने? मैथ हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से सारी इन्होंने बेरोजगारी जैसी समस्याएं उनका समाधान ले रखा है। ठीक है, तो इससे क्या, ये इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है इसकी। इसी कारण इसकी क्या है? यूनिकनेस, ठीक है ना, खत्म हो गई है। और यूनिकनेस खत्म होते ही थोड़ा हमारा ये सोशल वर्क दबाव में आ जाता है कि लोगों का कहना है जिसका खुद का कुछ नहीं है, जो खुद इतने सारे सब्जेक्टों से कुछ ना कुछ चीजें ले रहा है, तो उसको हम इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट कैसे बोल सके? ठीक है ना, ये हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है। यही सोशल वर्क को एज ए प्रोफेशन होने से रोकता है, क्योंकि सब चीज कहीं ना कहीं से ली है, अपनी चीज उसकी कुछ है नहीं। अब अपनी चीज क्यों नहीं है, तो वो दूसरा पॉइंट लिखोगे कि सोशल वर्क में हमारी जितनी भी अप्रोच है वो है अमेरिका और ब्रिटिश। ठीक है, अमेरिकन कर दो और ब्रिटिश। ठीक है, ये दोनों स्कूल थे सोशल वर्क के, जो मैंने पहले लेक्चर बताया था, इवोल्यूशन ऑफ सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन फ्रॉम द फिलेंट्रोफिक एक्टिविटी टू द प्रोफेशनल एक्टिविटी। अमेरिका का भी पढ़ाया था, ब्रिटिश का भी पढ़ाया था। ठीक है, तो वही पेपर, ठीक है, वही केस स्टडी, उसको हम अप्लाई कर रहे हैं इंडिया में। ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ी कमी है कि तो वहां के लोगों की समस्याएं अलग थी, तो उन्होंने अलग अप्रोच में करा, लेकिन वही अप्रोच, वही 11 से 12 प्रिंसिपल हम वैसे के वैसे कट पेस्ट करने लगे इंडिया में। हमने कोई खुद की केस स्टडी नहीं करी। 2 लेक्चर पहले मैंने केस स्टडी बताई थी, किसमें? सोशल ग्रुप वर्क में, कि वर्ल्ड वॉर 1 में जो लोग कैंप थे वहां पे जो हुआ था, क्या करा था हमने? रिक्रिएशनल एक्टिविटी करी थी। कभी हमने ये करा कि भारत में कभी कहीं पे सूखा पड़ गया तो उस पर करा? नहीं, कोई है ही नहीं केस स्टडी भारत की। ठीक है, जो हाई स्कूल, ठीक है, वो भी वहीं का है। सोशल सर्विस जो ऑर्गेनाइजेशन थी, चैरिटी थी, ठीक है, और जो विक्टोरिया के लॉ थे वो भी सब वहीं से लिया हमने, अपना तो हमारा है ही नहीं कुछ। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जिसका अपना ही खुद नहीं है कुछ, तो वो उसको हम प्रोफेशन कैसे बनाए? तो ये 2 सबसे बड़े बैरियर है, ठीक है, जिनका जवाब हमारे पास है भी नहीं अभी तक। ठीक है, तीसरा जो है हमारे जो एसोसिएशन है, अभी हमने पढ़ा अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क, ब्रिटिश एसोसिएशन और फिर एक इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन ये कॉन्फ्रेंस करता ही नहीं है, साल में इसकी एक आध कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें भी सारी यूनिवर्सिटी को पहुंचता नहीं है लेटर। ठीक है, कॉन्फ्रेंस में कुछ नया डिस्कशन करें, कोई इनोवेशन होता ही नहीं है, पुराने पेपरों में ही काम चल रहा है, कट पेस्ट थीसिस वही सबमिट हो रही है। ठीक है ना, तो इन सारी चीजों के कारण सोशल वर्क जो है प्रोफेशनल जो हो जाना चाहिए था, अभी तक जो मैंने ना सेमी प्रोफेशनल क्यों है, तो ये सारी जो टर्म हमें बता रहे हैं कि अभी तो सेमी प्रोफेशनल वे में ही चल रहा है। और क्या क्या प्रॉब्लम है लास्ट में ये लिखना है, डॉक्टर राइट, इन्होंने बहुत पहले स्टडी कर दी थी, इन्होंने वही स्टडी करी थी जो अभी मैंने आपको बताई, कि सेम स्टडी करी इन्होंने कि जो इंडियन का कल्चर है, ठीक है ना, इंडियन कल्चर जो है वो अमेरिकन कल्चर से बहुत ही अलग है। ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, हम फेल क्यों हो रहे हैं? हम इसलिए फेल हो रहे हैं कि जो हम इम्फेसिस दे रहे हैं, ठीक है ना, इम्फेसिस मतलब जोर दे रहे हैं किसमें? अमेरिकन राइटिंग्स में। अमेरिकन में जनरल है, ठीक है, उन्हीं को हम ट्रांसलेट कर दे रहे हैं, उसको कहाँ कर दे रहे हैं? इंडियन कल्चर में। तो ये मिसमैच हो जा रहा है, ठीक है ना, और ये मिसमैच सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सोशल वर्क को ऐसे प्रोफेशन होने। डॉक्टर राइट का आप नाम ले देना तो एक प्रूफ मोहर लग जाएगी हाँ कि हम सही कह रहे हैं, अपने मन से नहीं बोल रहे। ठीक है, उसके अलावा क्या बोल लिखोगे अभी भी, कि जितनी भी प्रैक्टिस होती है, ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब हो गया कि जो MSW करते हैं, ठीक है, जब उनका लास्ट ईयर होता है तो उनको अटैचमेंट होता है 6 से 8 महीने का। ठीक है, कोई इंडस्ट्री में जाते हैं, कोई हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई आपका बाल सुधार गृह में जाते हैं, कोई वेलफेयर में जाते हैं, कोई ओल्ड एज में जाते हैं। यहाँ पे जो जाते हैं तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो काम करते हैं, ठीक है ना, ना वो इंडस्ट्री करवाना चाहती है कि क्यों इंटरफेयर कराए, ना बच्चे करना चाहते हैं। तो ट्रेनिंग
प्रैक्टिस अभी भी जो है बहुत ही लैक हो रही है। क्यों? क्योंकि वही सोशल अप्रूवल नहीं है। किसी भी कंपनी में जाएंगे तो वो अपने क्यों चीजें करेगा, वो कहेगा मेरे लेबर को भड़का देगा ये, कल को स्ट्राइक करवा देगा, कल को लेबर कहेगी कि हमें पानी भी चाहिए, हमें टॉयलेट भी साफ चाहिए, ठीक है, हमें रेस्ट रूम भी चाहिए। तो इन सब चीजों के कारण इसका सोशल अप्रूवल क्या है, अभी बहुत ही कमजोर, इससे से ढीला पड़ गया है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए हो, क्योंकि रिवाइज फिर करा देता हूँ। देखो अभी ये बहुत बड़ा है टॉपिक, ठीक है, इसको मैं दूसरे वीडियो में लूंगा, लेकिन अभी अगर वहां पे क्वेश्चन आ रहा है सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन, तो आप फिर देखो कैसे स्टार्ट करोगे। सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या होता है उसकी सारी विशेषता लिखोगे, ठीक है, जो मैंने बताई थी चार पांच, ठीक है, उन चार पांच पैरामीटर में सोशल वर्क को रख के दिखाओगे। अगर 20 नंबर में आ रहा है तो एक दो में एग्जाम्पल दे सकते हो, अगर 15 में आ रहा है तो एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये रखने के बाद कहेंगे हाउएवर, ठीक है, वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम में जो मैंने बताई क्रिटिकल एनालाइज हो गया, जो लास्ट में बताया था, ठीक है, कि क्यों नहीं हो रहा है, तीन चार वो थोपना है, डॉक्टर राइट को थोपना है, और लास्ट में लिख देना है कि कोई भी प्रोफेशन होता है, ठीक है, द सक्सेस ऑफ एनी प्रोफेशन डिपेंड ऑन द, ठीक है, अप्रूवल, सोशल अप्रूवल, ठीक है, और हेंस द सोशल अप्रूवल इज नो नॉट सो स्ट्रांग इन इंडिया, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दो सोशल वर्क इज ए प्रोफेशन बट देर इज ए स्टिल ए लॉट, ठीक है, या आप ऐसे ले दो, देर इज ए नीड, ठीक है, टू डू मोर इन सोशल वर्क लाइक यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्री, फिर उसके बाद फुल स्टॉप, पूरे नंबर दे देगा, अच्छे खासे नंबर दे देगा, ठीक है। तो सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन हो गया। अभी भी एक बच्चे ने क्वेरी भेजी थी, उसको समझ में नहीं आया वो, तो फिर वो दोबारा इसमें पूछ सकता है, ठीक है, एग्जाम्पल अपने मन से कुछ भी डाल सकता है। अब मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, वो क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा कि सोशल वर्क जो है एज ए प्रोफेशन, ठीक है, कैसे कैसे इसका इंडिया में एवोल्यूशन हुआ था। 1936 में सबसे पहले आया था टिस यूनिट में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, उसके बाद आज क्या आया, ठीक है, तो आज क्या प्रैक्टिस होती है, तो वहां से भी जो मैं पढ़ाऊंगा इस आंसर में लिख सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से जरूरत है नहीं, उस वीडियो को भी देख के ओवरऑल पिक्चर बन जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ, थैंक यू वेरी मच।